गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चाप्टर थर्ड ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर काइंड ऑफ सेंटेंसेस देर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस एजर्टिव इंटारोगेटिव इम्पेरिटिव एंड एक्सक्लिमेटरी फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज होते हैं ये हमने क्लास थर्ड में भी रीड किया है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्लास थर्ड में भी नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अर शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चाप्टर एजर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं हम जो या तो कोई स्टेटमेंट बताते हैं या फिर कोई एजर्शन बताते हैं एंड ये नॉर्मल कुछ डिक्लेयर करते हैं सेंटेंस एजर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं नेक्स्ट कम्स इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल वाट इज योर नेम हाउ ओल्ड आर यू दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर इंटेरोगेटिव जिसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है नेक्स्ट कम्स इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव में क्या होता है इम्पेरेटिव में हम कोई कमांड देते हैं या एडवाइस देते हैं ऑर्डर देते हैं दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कम अंडर इम्पेरेटिव नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आई इट इज हैप्पीनेस और सैडनेस ओके नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर प्लीज टेक आउट पेज नंबर थर्टीन एवरी वन नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर फ्रॉम बुक लेट्स बिगिन रीड द सेटेंसेज गिवन बिलो द पिक्चर्स सम पिक्चर्स आर गिवन टू यू और उसके नीचे कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं हम उनको रीड करेंगे ओके फर्स्ट वन आई वुक अप लेट दिस मॉर्निंग सेकेंड वेन डज द मूनशाइन थर्ड डू यम वर्क रेगुलरली फोर्थ हाउ वंडरफुल डज द रेनबो लुक Fifth, you should not hurt an animal. Sixth, please let me play with a teddy bear. You will observe that all these sentences differ in the nature. We all have read these chap uh, these sentences. हमने एक thing अवश्य की कि सारे जो sentences हैं वो अलग अलग types लग रहे हैं. कुछ question हैं, कुछ statement हैं, कुछ command हैं, isn't it? The first sentence makes a statement. First sentence में हम statement मिल रहा है हमें जैसे क्या है I woke up late this morning. Statement लग रहा है ना Next the second ask a question. Second में question पूछ रहे हैं हम When does the moon shine? Moon कब shine करता है And third gives an advice. Third में advice मिल रही है कि do your homework regularly. While the fourth expresses a फीलिंग फोर्थ में फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है हाउ वंडरफुल द डज द रेनबो लुक द फिफ्थ एंड सिक्स सेंटेंसेस मेक अ कमांड एंड अ रिक्वेस्ट फिफ्थ और सिक्स में कमांड और रिक्वेस्ट हो रही है फिफ्थ वाले में कमांड मिल रहा है यू शुड नॉट हर्ट एन एनिमल सिक्स में प्लीज प्लीज लग गया मीन्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कुछ

टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किस टाइप से होते हैं डिफरेंस क्या होता है उनमें लेट्स डू इट राइट वेदर द सेंटेंसेस गिवन बिलो आर एजर्टिव इंटरोगेटिव इम्पेरेटिव और एक्सक्लिमिक फर्स्ट वेयर इज द एरोप्लेन ये क्या है इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क है सो दिस सेंटेंस इज इंटरोगेटिव नेक्स्ट सेकेंड प्रियंका इज अ गुड डांसर स्टेटमेंट है लास्ट में फुल स्टॉप भी लग रहा है तो ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ एजोर्टिव नेक्स्ट थर्ड ओपन योर अमरेला कमांडर है तो ये क्या हुआ इमेरेटिव नेक्स्ट फोर्थ वन आई हैव नॉट डन माई होमवर्क दिस इज अ स्टेटमेंट वो बता रहा है डिक्लेयर कर रहा है कि होमवर्क नहीं किया उसने किस टाइप का सेंटेंस हुआ ये एजोर्टिव फिफ्थ वन हाउ ब्यूटिफुल योर फ्रॉक इज एक्सक्मेट्री मार्क फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है क्या है ये एक्सक्लेमेट्री सेंटेंस ओके स्टूडेंट्स